आपको टिकट वगैरह लेना है तो आपको यहीं से लेना होगा। और ये देख रहे हो कितना खूबसूरत लगता है भाई, जनरल का सीट के लिए कितना भीड़ है। अब खुलने में मात्र 5 मिनट और है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? हम आज आए हुए हैं हावड़ा। और भाई हावड़ा की बात करें तो भाई इसको 1954 ईस्वी में ओपन किया गया था और इसे इंडियर 1954 में ओपन किया गया था और इलेक्ट्रीफाई भी किया गया था 1954 में। और भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलर रेलवे स्टेशन में एक आता है हावड़ा। और भाई आज हमारा जो जर्नी होने वाला है ना, हावड़ा से HWH से बख्तियारपुर BKP बख्तियारपुर के बीच में होने वाली है। और जो ट्रेन है ना भाई, सप्ताह में 4 दिन चलती है, एक संडे, मंडे, ट्यूजडे और फ्राइडे सैटरडे चलती है। और हमारा जो ट्रेन है ना भाई, 12303 पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लगी हुई है। और चलिए हम आज आपको हावड़ा का कुछ बेहतरीन नज़ारा को दिखाते हुए और अपना ट्रेन को कैप्चर करते हैं यार। और हाँ, अगर ये चेहरा को अच्छा लगता है, आपको पसंद पड़ता है, देखने में ठीक ठाक लगता है और कंटेंट बढ़िया लगता है, तो भाई आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को, वो लाल है ना भाई, उसको आप ब्लू करेंगे, हरियर करेंगे, काला करेंगे, क्या करेंगे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसको कुछ कर दीजिए। और वो पूछने लगे कि आप ऑफिस में आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप आओ आराम से घूमो, कोई बात नहीं है, घूम सकते हो यहाँ पे। और मेरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है ना भाई, किधर है अब पता करना पड़ेगा। चलिए सर से किसी से बात करके पता कर लेते हैं। वो क्या सर, प्लेटफॉर्म नंबर 9 किधर है? प्लेटफॉर्म नंबर 9 मेरे सामने, क्योंकि भाई यहाँ का इंटीरियर है ना, पटना जंक्शन जैसा नहीं है कि यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 9 कहाँ पर है खोजना पड़ेगा यार। बहुत काफ़ी बहुत बड़ा है, मतलब जो भी सेंट्रल जोन वाला जो भी है ना, सेंट्रल कैंट ये सब है ना, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा, ये सब काफ़ी बड़ा और बिग साइज वाला है यार। और चलिए आप लोग को इसका अराइवल दिखाते हैं, जो कि पूर्वा का हो रहा है, हावड़ा का प्लेटफॉर्म। और ये बगल में लगा हुआ है मिथिला एक्सप्रेस, जो कि शायद अयोध्या तरफ जाती है, सॉरी ये शायद काठमांडू के आसपास रक्सौल के पास जाती है। और ये देखिए हमारा जो ट्रेन है ना, एकदम पंचुअलिटी के साथ आ गई है, वो भी 20 मिनट पहले आई है। और भाई आप लोग के डिमांड पर जिंदल डब्बा में फिर से हमारा हो रहा है, सफर हो रहा है। और देखिए और ये है पूर्वा एक्सप्रेस 12382। जो कि भाई दिल्ली चली जाती है, हावड़ा नहीं। और वो साइड में आई है राजेंद्र नगर हावड़ा, हावड़ा एक्सप्रेस। और ये अभी आई ही है, जो कि नाइट में खुलती है भाई 7 बजे साइड। हाँ 7 बजे खुलती है। और हमारा ट्रेन तो आ गई। और भाई पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हो और भीड़ ना हो नहीं सकता, देख रहे हो पूरा जर्नी में पूरा भीड़ रहने वाला है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हाँ भाई हमारा जो ट्रेन है ना, जनरल बोगी का हाल बहुत बुरा हो गया यार। इसमें नंबर लगा कर, अगर आप आए होंगे हावड़ा जंक्शन तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर नंबर लगा के जनरल बोगी में एंट्री कराया जाता है। ये सबसे अच्छा लगता है यार, क्योंकि हम बहुत सारा जर्नी किए हैं और देखे हैं उसमें गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। और सभी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही गेट से कभी क्या कुछ ऐसे लन फन करके घुस जाते हैं, गमछी रख के, अंगा रख के, टी शर्ट रख के, ये सब ठीक नहीं लगता। ये ठीक है, लाइन में आइए, आराम से घुसिए ना, यहाँ से ऑन टाइम डिपार्चर हो गई है, देख रहे हो ऑन टाइम डिपार्चर यहाँ से खुले हो गई है हमारे हावड़ा से।
और मिलते हैं। और बगल में लगा हुआ है भैया हावड़ा पटना, जो रात में खुलती है ना पटना जंक्शन से, वही वाला लगा हुआ है हावड़ा एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल से रात में 10:10 में खुलती है शायद, वही है। अगला ब्लॉक उसी में बनाए क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए तो उसी ट्रेन में अगला ब्लॉक रहे। और हमारा जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 9 से डिपार्चर हो गई है और बाय बाय हावड़ा, मिलते हैं फिर कभी। और ये जा रही है हावड़ा अमृतसर, जिसका कि लाइन क्लियर नहीं है। भैया थोड़ा पीछे हो जाइएगा, अरे तुम लोग से तो पीछे रहेगा। हाँ भैया, हम लोग का जो ट्रेन है ना अब अराइवल हो रहा है वर्धमान जंक्शन, देख रहे हैं यही पर। हट पहले पीछे करो ना, और हाँ भाई हमारा जो ट्रेन है ना वर्धमान का सफर आए। अब तक हमारी ट्रेन है ना भाई, अब तक हमारी जो ट्रेन है ना 93 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वर्धमान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। और बात करें वर्धमान जंक्शन की तो भाई नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 8 है और यहाँ का जो स्टेशन कोड है ना BWN है और ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीजन में आती है। और भाई हमारा जो वर्धमान जंक्शन है इसे ओपन किया गया था 1855 ईस्वी में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1958 ईस्वी में। और हमारा ट्रेन का मात्र 3 मिनट का होल्ड था जो कि अब सीधे हो चुकी है और आपको डिपार्चर दिखा था और मिल गए आपसे इसका नेक्स्ट स्टॉपेज भाई। बहुत देख रहे हैं अंदर कितना भीड़ है। और भाई यहाँ पर जानते हैं खाने वाला चीज का जो है ना बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, देख रहे हैं किस तरह का सर, देख रहे हो कितना भीड़। चलिए देख रहे हैं भैया वर्धमान जंक्शन आते ही देख रहे हैं भैया। और देखिए भैया किस तरह से उतर जाएंगे, ये देखिए भैया का, देखिए ले लिए अंडा, कितना में लिए भैया? 20 रुपया में अंडा ले लिए, बताइए हो जाएगा। सोमवार दिन है, अब मॉर्निंग में सबसे पहले खाएंगे तो क्या अंडा, अब प्रोटीन ले रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं क्या? अरे जैसी भी जा रहे हैं देवघर, खा के जाएंगे अंडा, पूछ रहे हैं अभी देवघर जाइएगा आपसे देव। एक छोटा सा स्टेशन है मनकर,
वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ भैया, अब हम आ गए हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर हम लोग आ गए हैं। दुर्गापुर अब हम लोग आ गए हैं और एक बार अंदर घटना घट गया। घट गया क्या भैया? उतर जाएंगे आराम से, उतर विदाउट टिकट जा रहे थे भैया हमारा। कौन कौन थे अंदर? थे पकड़ा गए बेचारे। अच्छा था, फाइन लिया। चलिए ठीक है। हाँ भाई, अब तक हमारा ट्रेन है ना जो 156 किलोमीटर कवर कर लिया, जो कि अब हम आ चुके हैं दुर्गापुर स्टेशन। हाँ हम लोग, बोला ना, अब तक हमारा जो ट्रेन है ना भाई, दुर्गापुर जंक्शन आ चुकी है। और बात कर दुर्गापुर के, तो यहाँ पर नंबरों पर प्लेटफॉर्म 5 है और हमारा जो ट्रेन है ना भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। और दुर्गापुर की बात करें तो 1855 में इसे ओपन किया गया था और 1966 में इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था। और हाँ भाई, हमारा जो ट्रेन है ना, उसका सिग्नल हो चुका है यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज आसनसोल। और हाँ भाई, ये जो स्टेशन है ना आसनसोल डिवीजन का, अब हम लोग जो पहले थे हावड़ा डिवीजन, अब लेकिन आसनसोल डिवीजन का फर्स्ट ट्रेन आ गया, फर्स्ट होल्ट यही है। और मिलते हैं आपसे आसनसोल में। सिग्नल हो चुका है और देखिए खुल भी गई। चलिए मिल दुर्गापुर भी भाई, एक बहुत खूबसूरत छोटा मोटा, छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और यहाँ डेली 105 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। उतार दिया है और देख रहे हैं दुर्गापुर। बाय बाय दुर्गापुर, फिर मिलते हैं आपसे। हमारा जो रूट में है ना भाई, अब बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। और इसमें भाई पेट्रोल जा रहा है जो कि जाएगी बरौनी और इसे साफ किया जाएगा, रिफाइनरी किया जाएगा। हम लोग का जो ट्रेन है ना, अब लगभग 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया भाई। और बात करें तो भाई, पंक्चुअलिटी के साथ हम टाइम से आ गई है, यहाँ पर 10:30 में आ गई है। और देखिए बाबू जा रहा है। बाय बाय बाय, चलो ठीक है। और हाँ भैया, हमारा जो ट्रेन है ना आसनसोल की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 7 है और जो है ना, इसे ओपन किया गया था 1856 ईस्वी में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1957 से 1962 के बीच में। और बात करें आसनसोल की तो आसनसोल जानते हैं, इसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से कहते हैं, जिसे भाईचारों की शहर कहा जाता है। और हमारा जो आसनसोल है ना, थोड़ा घूमे तो नहीं है भाई, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म से दिख रहा है तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, हम तो हमेशा आते रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और हाँ, अब तक जो भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, वो कम से कम वीडियो लाइक कर दो भाई। अच्छा, और आपकी मर्जी है, अब हम आप पे प्रेशर तो कर। आर्मी का गाड़ी मिल गया है। देख रहे हो भाई,
खाने का ऑर्डर बोलिएगा, खाना आएगा जी, खाने का ऑर्डर बोलिए दोपहर में, खाना आएगा जी, खाने का ऑर्डर बोलिएगा दोपहर में, खाना आएगा जी, खाने का ऑर्डर बोलिएगा दोपहर का, खाना आएगा जी, खाने का ऑर्डर बोलिए, खाने का ऑर्डर बोलिएगा, खाना आएगा दोपहर का जी, यह है इंडियन आर्मी का गाड़ी भाई, बड़ा सौभाग्य से मिल गया यार। आज हम दिमाग में सोच ही रहे थे कि हमको कब मिलेगा देखने को। अब भैया हमारा जो डेस्टिनेशन है ना जसी डी जंक्शन, फ्रेंड्स हो रहे हरा हरा महादेव। और अब तक हम इस सप्ताह में दूसरी बार आ चुके हैं और यहाँ से भाई क्राउड तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ भाई अब तक हमारा ट्रेन है ना करीब 20 मिनट लेट हो गई क्योंकि जसीडी से पहले आउटर पर रोक दिया गया था इस वजह से। और अब हम बात करें अब तक हमारी ट्रेन है ना जो 308 किलोमीटर आ चुकी है हावड़ा से। और जो मेरा बात करते हैं भाई जसीडी का, तो जसीडी एक धार्मिक जगह पर है भाई और इसका तो बात ही अलग है, इसका क्या बोले। और इसको ओपन किया गया था 1850 ईस्वी में और इन द ईयर 1958 से 1961 के बीच में इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था। और हावड़ा गया मेन लाइन होने के कारण जितना हावड़ा गया मेन लाइन है ना उसको 1955 से 1961 के बीच में ही अथी किया गया है, इलेक्ट्रीफाई किया गया। और बात करें जसीडी की तो ये आसनसोल डिवीजन में आती है। और हाँ भाई नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 है और इस यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड था जो कि अब 4 मिनट हो चुका है भाई। अब चलिए भाई अब क्राउड की बात करें, क्राउड तो काफ़ी है इसके अंदर। अब तो भाई आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक के इसमें पूरा क्राउड मिलेगा, कम नहीं भाई, अब तो और बढ़ते चला जाएगा क्योंकि क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए मेरा ट्रेन का जो है ना अथी हो गया है, सिग्नल हो चुका है। अब भाई इस ट्रेन में है ना जनरल बोगी में पूरा क्राउड रहने का कारण है जानते हैं, 5 मिनट में कोई किसी भी कोई भी रहते हैं जो जिनको अगला स्टेशन पर उतरना वो चढ़ेंगे तो जनरल बोगी में, क्योंकि अगला कोई बोगी पर तो आप चढ़ नहीं सकते हैं, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा क्राउड ज़्यादा बना हुआ रहता है। और जनरल बोगी में ब्लॉगिंग करना एक अलग ही अपने आप में एक चैलेंज होता है भाई, जो कि सभी से संभव नहीं है। और यहीं से अब हम क्या करें, हरे हरे महादेव का नाम लो और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है ना फ्यूल जंक्शन है और फ्यूल जंक्शन पर मिलते हैं आपसे। हाँ भाई हमारा जो ट्रेन है ना उसका अराइवल हो चुका है फ्यूल जंक्शन पे। हाँ भैया अब तक हमारी जो ट्रेन है ना ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीजन में आ गई है, जो कि पड़ता है दानापुर डिवीजन में आ गई है और जो अब तक 408 किलोमीटर तय करके पहुंची है। और हाँ भाई क्यूल की बात करें तो क्यूल का स्टेशन कोड है QIUL। और हाँ भाई इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1955 से 1964 के बीच। और बात करें क्यूल की भाई तो क्यूल के बाद डायरेक्ट इसका स्टॉपेज मिलती है वो है मोकामा जंक्शन, इसलिए भाई अब हमारा जो है ना अब हम आप लोग को मिलेंगे बख्तियारपुर जंक्शन में, क्योंकि भाई मेरा जो डेस्टिनेशन है बख्तियारपुर तक ही है, हावड़ा से बख्तियारपुर तक। और हाँ जो लगता है ना भाई कोई और सा यहाँ टर्मिनल जो जाती है ना गया वाला वो लगी हुई है बगल में, उसी का सिग्नल हो चुका है। ठीक है मिलते हैं आपसे बख्तियारपुर जंक्शन पे।
बोले ना भाई, लगी हुई है विक्रमशिला सुपर फास्ट, जो कि विक्रमशिला जा रही है आनंद विहार टर्मिनल तक, और ये भाई जाएगी भागलपुर से गया की ओर से जाती है शायद। और यहाँ पर मात्र हमारा जो ट्रेन था ना, उसका 2 मिनट का हॉल्ट था, और लगभग 20 मिनट हमारा जो ट्रेन है ना वो डिले हो गया। और आप लोग को और अब हमारी ट्रेन आ गई है लखीसराय जंक्शन, जो कि यहाँ पर इसका नहीं है, क्योंकि भाई सुपर फास्ट ट्रेन है, इतना ज़्यादा स्टॉपेज रहेगा तो फिर दिल्ली जाना है इसको ना। हमारा जो ट्रेन है ना, हमारा जो ट्रेन है ना निकल गया ऑन टाइम यहाँ से। पता है इतना करोड़ था ना इसमें, इतना करोड़ था ना हम बता नहीं सकते। हम तो हावड़ा से इसमें आ रहे थे जनरल में, बाकी इसका आज ये गाड़ी आधा घंटा लेट भी आई है भाई, आज आधा घंटा लेट आई है। और बात करें तो आज ये बात करें बख्तियारपुर की, तो ये बख्तियारपुर आने के लिए सबसे पहले जानते हैं इसमें इतना करोड़ हो जाता है ना। हाँ भाई, बात कुछ ऐसा है ना कि हमारा जो ट्रेन था ना वो 1 मिनट का यहाँ पर होल्ड था, इस वजह से 1 सेकंड में ही वो रुकी और बस निकल गई। और बात करें तो यही है, ये डिब्रूगढ़ फिर से ये जा रही है। और हाँ भाई, हम अब बात करते हैं अपनी ट्रेन की, तो हमारी जो ट्रेन थी ना हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, तो उसका जो था ना अब तक कि यहाँ का बख्तियारपुर तक का 408 किलोमीटर वो कवर कर चुका था। और भाई बख्तियारपुर को बता दें तो बख्तियारपुर का जो स्टेशन कोड है ना BKP, और लगभग 35,000 डेली पैसेंजर यहाँ से बोर्ड करते हैं। और भाई यहाँ से मात्र एक ट्रेन है जो कि ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, वो ये है पैसेंजर ट्रेन, जो कि गया जाती है राजगीर की जो न्यू लाइन है ना उससे जाती है। और भाई बख्तियारपुर जंक्शन इस पॉइंट इसलिए होता है कि एक पॉइंट जो है ना वो चला गया राजगीर की ओर, जो कि हो जाती है राजगीर बिहार शरीफ और पावापुरी, इस कारण ये जंक्शन पॉइंट बनती है। एक न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है। चलिए ठीक है। हाँ भाई, अगर आपको ये चेहरवा अच्छा लगता है भैया, तो और न्यू रेल सफर रेल जर्नी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और आपको रेल जर्नी देखना पसंद है, तो भाई हमारा चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये फेसबुक को सपोर्ट करिए भाई। और हाँ, लव करते हैं आपसे।